दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। पंचकुला में बच्चों को मिला जिंदा बम। इंदिरा कॉलोनी में एक बड़ी दुर्घटना उस समय टल गई जब एक बच्चे को पास की ही एक नाले से जिंदा बम मिल गया है। हालांकि पुलिस ने बम को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस के अनुसार कुछ बच्चे इंदिरा कॉलोनी के एक नाले के पास खेल रहे थे, उसी दौरान उन्होंने वहां एक जिंदा बम देखा। उनमें से एक बच्चे ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कांस्टेबल यशपाल ने अन्य साथियों के साथ बम को नाले से निकाला और सेक्टर 16 की पुलिस चौकी में पहुंचाया। सेक्टर 14 पुलिस थाने के SHO यशदीप सिंह ने बताया कि बम फटने से बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। पुलिस के अनुसार सूचना के बाद अम्बाला से आई बम स्क्वाड ने बम को डिफ्यूज कर दिया है। सिंह ने बताया कि यह बम छावनी क्षेत्र में हुई भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ में बहकर आया हो। इसका वजन लगभग 7 किलोग्राम है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MS News Live की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MS Hindi ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।